हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष नरेश ठाकुर ने भी बीजेपी सरकार पर निशाना साधा है। नरेश ठाकुर ने बीजेपी सरकार पर जिला हमीरपुर के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाया है। ठाकुर ने कहा कि सड़कों की खस्ता हालत से लेकर मेडिकल कॉलेज में सुविधाओं के अभाव का आलम बना हुआ है, जिससे लोगों में भी सरकार के प्रति गहरा रोष बना है। नरेश ठाकुर ने कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के हमीरपुर दौरे को लेकर शिमला धर्मशाला सड़क पर पड़े गड्ढों को भरने का काम किया गया था, लेकिन जैसे ही दौरा रद्द हुआ तो काम बंद हो गए। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार के दौरान प्रशासन भी सीरियस होकर काम नहीं कर रहा है और प्रदेश सरकार ने डेढ़ साल में हमीरपुर में विकास के नाम पर कोई ईंट तक नहीं रखी गई है। नरेश ठाकुर ने कहा कि हमीरपुर जिला की पूरी तरह से अनदेखी की जा रही है और जब जो प्रदेश में बीजेपी सरकार बनी है तभी विकास की अनदेखी हुई है, और बावजूद इसके जब जब प्रदेश में कांग्रेस सरकार बनी है तब प्रदेश का विकास चरम सीमा पर रहा है। जब प्रदेश कांग्रेस कमेटी प्रदेश का मैं कांग्रेस की सरकार थी तो जो भी उद्घाटन किए गए वो बजट रखकर उद्घाटन किए गए, परंतु उससे पहले हमीरपुर जिला से ही प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री थे तो उनके कार्यकाल में हमीरपुर में कितना विकास हुआ, जबकि प्रदेश में कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर जिला में काफ़ी ज़्यादा विकास करवाया है। और जब जब भी हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी हुई है उन्होंने कभी भी भेदभाव करके किसी जिला के साथ कोई भेदभाव ना करके जो है विकास की नए से नए आयाम स्थापित किए हैं, परंतु भाजपा सरकार विकास कराने में बिल्कुल नाकामयाब रही है और हमीरपुर जिला की हमेशा से अनदेखी की जा रही है। हमीरपुर पुलिस विभाग पूरी तरह से हाईटेक तरीके से काम करना शुरू कर दिया है और लोगों के मामले लंबित ना होने से इसके लिए पूरी पारदर्शिता के साथ कार्य किए जा रहा है। पुलिस विभाग हमीरपुर ई ऑफिस के तहत काम कर रहा है, जिससे हर चीजों को ऑनलाइन तरीके से काम करके पूरा किया जा रहा है। एसपी हमीरपुर अजित सेन के अनुसार ई ऑफिस बनने पर लोगों के मामलों को त्वरित तरीके से निपटाया जा रहा है और कर्मचारी भी समय पर काम पूरा करने के लिए बाध्य होंगे। एसपी अरिजीत सिंह ने बताया कि एसपी कार्यालय को ई ऑफिस में तब्दील किया गया है और इसके तहत हर किसी काम को हाईटेक तरीके से पूरा किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ई प्रणाली से काम करने पर कर्मचारियों की जवाबदेही भी समय पर काम करने की ही रहेगी और इससे काम में तेजी आएगी। उन्होंने बताया कि ई प्रणाली होने से लोगों को भी हर वक्त इंटरनेट के माध्यम से अपने केस को जानने के लिए सहूलियत मिलेगी। विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी में पुलिस के द्वारा नशा निवारण और बच्चों की अफवाह से बचने के लिए नैना देवी में एक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। इसमें डीएसपी बिलासपुर संजय शर्मा ने स्थानीय दुकानदारों, गाड़ी चालकों, नशा निवारण समिति के सदस्यों और स्थानीय बुद्धिजीवी वर्ग के साथ बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें नैना देवी में नशे से बचने और अफवाहों पर ध्यान न देने के लिए जागरूक किया गया। इस बैठक में डीएसपी संजय शर्मा ने बताया कि आजकल नशे का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और जिला बिलासपुर ने पुलिस ने पूरी तरह से इस पर शिकंजा कसा है। इस साल अभी तक 80 से ज्यादा मामले पुलिस ने नशे के खिलाफ दर्ज किए हैं। उन्होंने कहा कि वे लोगों से अपील करते हैं कि वे स्वयं और अपने बच्चों को नशे से दूर रखने की सलाह दें, बच्चों पर ध्यान रखें, इसके अलावा बच्चा चोरी की जो अफवाह है उन पर भी ध्यान न दें। उन्होंने कहा कि जो भी अफवाहें फैल रही हैं ये मात्र एक अफवाह है और जो गुमारमी में या जगह से मामले सामने आए हैं वे सभी अफवाह निकली हैं। ट्रैफिक नियमों की जानकारी देते हुए उन्होंने जनता से अपील की है कि वे गाड़ी चलाते समय मोटरसाइकिल चलाते समय ट्रैफिक नियमों की पालना करें और हेलमेट लगाकर मोटरसाइकिल चलाएं और गाड़ी चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें। ये सब उनके सुरक्षा के लिए है और इसमें कभी भी कोताही ना बरतें। उन्होंने कहा कि बिलासपुर पुलिस हमेशा आपके साथ है। अगर कोई भी व्यक्ति नशे का कारोबार करता है उसके बारे में पुलिस को सूचित करें।
पुलिस उस पर व्यापक कार्रवाई करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे धार्मिक स्थलों पर नशे का कारोबार नहीं होना चाहिए। अगर ऐसे कई मामले सामने आते हैं तो पुलिस उन पर सख्ती से कार्रवाई करेगी। इस मौके पर थाना कोट प्रभारी कुलदीप ने भी स्थानीय लोगों से अपने विचार साझा किए और उन्हें ट्रैफिक नियमों के बारे में अवगत करवाया। इस मौके पर चौकी प्रभारी नीलम शर्मा भी मौजूद रहे। तो इसके अलावा जो है वो माता की नगरी में यहाँ जो है वो किसी भी किस्म का अगर कोई अवैध कारोबार होता है तो उसके विषय में जो है वो पुलिस को तत्काल सूचित करें और सबसे यह आग्रह है कि जो है वो अपना पूरा सहयोग दें ताकि है कि नशा मुक्त जो है वो समाज की स्थापना में जो पुलिस आजकल तत्पर है उसमें जो है वो अग्रसर हों और यहाँ जो है वो वातावरण जो है वो बिल्कुल धार्मिक और अच्छे ढंग से जैसा है वैसा ही बना रहे।